सो हे गाइस नमस्ते, व्हाट्स अप, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। भाई तुम लोग सबसे पहले मेरी जान टाइटल और थंबनेल देख के आ रहे हो ना, तो तुम लोग को डिले या परेशान या वीडियो के आगे ज्यादा लंबा ले जाके बताऊंगा ऐसा नहीं करता हूँ। अभी के बता देता हूँ क्या बात है मेरी जान, मैं तुम लोग को बताता हूँ। बेसिकली आप लोग को ना लेफ्ट में एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, सुमित भाई ने हाल ही में एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, तुम सबने देखा ही होगा, तो तुम सब काफी ज्यादा परेशान हो गए हो। तुम लोग ने ना मुझे इतने कमेंट्स करे, इंस्टाग्राम हो या मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, तुम लोग ने भाई मतलब इतने कमेंट्स करे कि भाई बताओ तुमको लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं लगा दूंगा। इतने सारे कमेंट्स आए थे भाई, तुम लोगों ने पूछ पूछ के परेशान कर दिया। तो भाई मेरी बात हुई फाइनली राइट में, तुमको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, सुमित भाई से देखो कितनी ज्यादा देर मैंने बात करी है। मैंने उनसे पूछा कि पूछने की कोशिश करी, सुमित भाई एग्जैक्टली क्या हुआ, थोड़ा कुछ बताओगे? तो मैं जो है थोड़ा ऑडियंस को अपडेट कर देता हूं, बता देता हूं, उन लोग को बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं बस दो चार दिन से जो है अपने चैनल के ऊपर खुद ही एक्टिव होकर ना वो चीज अपडेट दूंगा अपनी ऑडियंस को। तो भाई उन्होंने मुझसे मतलब थोड़ा बहुत शेयर किया और उन्होंने बताया कि भाई सौरभ भाई अब एग्जैक्टली पूरी चीज तो अभी नहीं बता सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम चल रही उनके साथ, तो वो प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या है और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो भाई वो जो है वो अपने चैनल के ऊपर आकर तुम लोग को बहुत ही जल्दी जो है भाई अपडेट देने वाले। तो थोड़ा सा इंतजार बनाए रखो मेरी जान, कोई लोड नहीं है, तुम लोग को पता चल ही जाएगा। तुम लोग ने इतना परेशान किया ना, तो देखो भाई मैंने कॉल किया तुम लोग के लिए और स्पेशली जो है भाई उनसे पूछने की कोशिश करी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत तो बता दिया। देखो दो चार दिन की तो बात है, सब्र रख लो, सब पता चल जाएगा। फिलहाल ना भाई मैं निकल रहा हूँ सीहोर के लिए, और सीहोर क्यों जा रहा हूँ मैं तो ना बहुत टाइम हो गया था कि भाई ड्यूक से अपन ने ना कोई राइड नहीं करी थी, तो मेरा मन था एक छोटी सी राइड करके आते हैं। तो लेट्स गो, बाइक को बाहर निकाल रहा हूँ और सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग में। तो गाइज अभी तो जो है मैं जा रहा हूँ भाई पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप क्यों जाते हैं तुम सबको पता ही होगा, अपनी जो बाइक है भाई इसमें नहीं है पेट्रोल, तो पेट्रोल के लिए जो है मेरी जान अपन को जाना पड़ेगा इसमें पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप। कितना ज़्यादा पेट्रोल हो गया नहीं मेरी आदत है यार, मैं ना अपने घर के पास वाले पेट्रोल पंप से हमेशा पेट्रोल डलवाता हूँ। वहाँ ना मुझे भरोसा भी है और वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा फ्यूल डालते हैं वो लोग, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे वहीं से डलवाना चाहिए और इसीलिए मैं हमेशा वहीं से डलवाता हूँ। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हालांकि मुझे उल्टा आना पड़ता है मेरे घर के बैक साइड में, पर कोई ना मैं आ जाता हूँ क्योंकि अब मुझे अच्छा यहीं पर ही लगता है। हाँ जी भाई, हाँ सौरभ शर्मा व्लॉग्स भाई, एक बंदा मिल गया है पूछ रहा था चैनल का। हाँ ब्रो, सौरभ शर्मा व्लॉग्स। सौरभ शर्मा। अच्छा आप वो MP04 राइडर के साथ? हाँ हाँ ब्रो, हाँ देखा है, देखा है। अरे था। पहले से ही तो कर रखा है। जाते हैं चलते हैं कभी एक आध दिन साथ में राइड पे चलते हैं। क्या नाम? राज ही नाम है आपका? अच्छा लगा राज भाई मिलके, पर तुम सब्सक्राइब कर रखा है यार, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। डन है डन, राइट पे चलते हैं एक आध दिन साथ में। तो गाइस एक सब्सक्राइबर मिल गया था, मतलब वो खुद भी ब्लॉगर है, मोटो ब्लॉगर है बेसिकली। एक सेकंड, पहले तो अपन फ्यूल भरवा ले 500 का पेट्रोल। तो गाइस फ्यूल तो अपन ने भरवा लिया है, हवा करवा ही लेता हूँ यार, फिर रोड पे दिक्कत ना आए मुझे। वैसे होनी तो चाहिए पर कोई ना, चलो करवा ही लेते हैं यार, फिर बाद में टाइम लगेगा काम का। हवा कर दो भैया। 35 नहीं यार, 33 ही रखो। 33 अकेला हूँ ना, ज्यादा हो जाएगी 35 में, फिर उचकेगी। हाँ 33 ठीक है, आगे कितनी रखेंगे? 30 भाई फ्रंट वाले टायर में, तो भाई 30 डलवा रहा हूँ मैं। सिटी से रास्ता छोड़ते हैं और क्या बोलते हैं VIP रोड को टच करते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। ये देखो गाइस मेरे सामने बंदा जो है भाई दो दो लड़कियों को घुमा रहा है। यहाँ तो भाई लौंडे बैठे हैं जो सिंगल है भाई, जिनको एक एक बंदियाँ नसीब नहीं होती है। बंदे की किस्मत देख रहे हो भाई साहब, दो दो बंदियों को जो है घुमा रहा है नहीं। चलो अपन तो आ गए भाई VIP रोड पे, है ना। ये है भाई बैरागढ़ का मार्केट, पूरा ना यहाँ पर मार्केट लगता है। साड़ियों के लिए तो भाई मशहूर है, मतलब बेसिकली साड़ीज़ वगैरह जो होती है ना भाई वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही बिकती है हमारे बैरागढ़ में। काफ़ी सारे लोग ना यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं, देख रहे हो यहाँ पे, देखो आपको दिख ही रहा होगा पूरे लड़कियों वाला मार्केट भाई, मतलब लड़कों का सामान ही मिलता है पर उसके लिए अंदर जाना पड़ता है। हालांकि मैंने तो कभी यहाँ से शॉपिंग नहीं करी है, मतलब खुद के लिए पर्सनली कभी नहीं करी है, पर आया बहुत बार हूँ इस मार्केट में, है ना। बाकी तो भाई फिर से जैम में अटक गए यार अपन,
बस ये आखिरी जाम है गाइस, इसके बाद ना कहीं पे भी रोड ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि बस ये बैरागढ़ जैसे ही आपने क्रॉस कर लिया ना तो फिर जो है आप हाईवे पे लग जाते हो और भोपाल से ना बाहर निकल जाते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई, छोटे छोटे से बच्चे, अभी इनका लाइसेंस आया नहीं है और ये जो है गाड़ी चला रहे हैं। ज़मीन से निकलते नहीं है भाई, पर स्कूटी पे पहले बैठे जाते हैं। खैर छोड़ो भाई, अपन को क्या करना, ये बात तो उसके घर वालों को सोचनी चाहिए, मैं क्यों फिक्र जता रहा हूँ। ये रहा गाइस वो बोर्ड, चेक दिस आउट। अब जो है यहाँ से अपन करते हैं बाय बाय भोपाल, है ना, और हाईवे क्या शुरुआत तो हो जाए शुरुआत। चलो लेट्स गो। वन ट्वेंटी प्लस चल रही है। मजा आ गया भाई। गाइस पहला टोल आने वाला है, उस टोल पे मैं रुकूंगा, रुक के चेक करूंगा कि भाई जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी किन्हीं बंदों ने रिस्पांस अगर उस पर किया हो तो भाई मैं एक बार चेकआउट कर लूँ, है ना। तो वो अपन सामने अभी टोल आने ही वाला है, बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, पर रुक के चेकआउट करते हैं, है ना भाई। ये देखो भाई, उल्टा आ रहा है भाई गधा, देखो भाई दूसरा गवार आदमी। तो यार मैंने ना इंस्टाग्राम स्टोरीज पे चेकआउट किया, मेरी जान तुम लोगों ने भाई भर भर के रिप्लाई करे, मतलब इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए, पर भाई रिस्पॉन्स आए पर इतने सारे मैं उनका करूँ क्या। सीहोर से तो भाई सिर्फ एक ही बंदे का रिस्पॉन्स आया है, और बाकी जितने रिस्पॉन्सेज आए ना गाइज वो लाइक सुजालपुर, जोधपुर, इंदौर और बैरागढ़ से भी आए। बैरागढ़ तो भाई मैं पीछे छोड़ आया हूँ, तो गाइज सॉरी यार, मुझे पता नहीं था बैरागढ़ से भी लोग देखते हैं, तो यार ये तो चोट हो गई है मतलब। पर सीहोर में कोई ना एक सब्सक्राइबर तो है अपना, उसने मुझे रिप्लाई किया कि भैया मैं सीहोर से हूँ, लव यू भैया। मैंने ना उसको रिप्लाई करा है कि भाई आई एम एट सीहोर, चेक दिस आउट, पहुंच ही गया हूँ, यहाँ से सीहोर ज्यादा दूर नहीं है। तो ना मैंने उसको रिप्लाई तो कर ही दिया कि भाई आ जाओ, तुमसे मिलता हूँ मैं, अब देखते हैं भाई का रिप्लाई आने, तो गाइज उस हिसाब से ना मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा भाई के साथ। तो लेट्स सी गाइस, अब जो है मैं फटाफट मोबाइल को वापस चिन माउंट में लगा लेता हूँ, यहाँ खड़े रहने का तो कोई मतलब नहीं है, आगे चलते हैं अपन लोग, है ना। और बाकी यार गाइस थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्ड दिया आपने मेरी स्टोरीज पे, भली सुजालपुर से हो, जोधपुर से हो, जहाँ जहाँ से भी तुम लोगों ने लिखा ना भाई, डेफिनेटली एक ना एक दिन राइड पर अपन उन लोकेशन पे डेफिनेटली आएंगे, ठीक है मेरी जान। ऑटो तक तो ठीक था भाई, ट्रक्स भी देखो अब रॉन्ग वे आ रहे हैं भाई, हद्दी हो गई यार। तो गाइस ये देख लो भाई, ये वही रोड है जहाँ मैंने बोला था बंदों को आने के लिए। अब यार मुझे नहीं लगता शायद वो भाई आ रहा है, क्योंकि उसका अब तक मुझे रिप्लाई आया नहीं। बेसिकली यही है भाई सीहोर रोड, यहीं से सीहोर के लिए अंदर घुसते हैं अपन लोग, है ना। लेट्स सी, एक लास्ट बार जो है मैं भाई को, या तो मैं ही भाई को टेक्स्ट डाल देता हूँ कि यार मैं आगे जा रहा हूँ, बिकॉज ना अब मैं ज़्यादा वेट करूँगा ना गाइस तो लेट हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता भाई, फिर वो बाद में आए तो फिर समझ रहे हो ना, लेट हो जाएगा यार काफी ज्यादा मुझे भी, तो मुझे आगे जाना है कप्पी भाई के घर पे। तो ना यार मैंने क्या किया, मैंने भाई को जो है भाई डीएम कर दिया अपने एंड से, देखो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई ने तो अभी तक रिस्पॉन्ड किया नहीं, तो अभी यार मैं कब तक इंतजार करूंगा, है ना। तो मैंने अपने एंड से जो है भाई को रिप्लाई कर दिया कि भाई कोई इशू नहीं है, बाद में कभी मिल लेंगे, फटाफट जो है भाई बिना देरी करे अपन जो है आगे चलते हैं। तो भाई ये देखो कितना भाई डीप है, ये देख रहा है आपको, यहाँ से ना बाइक को नीचे उतारना है। खैर यहाँ पे रास्ता तो है पर ये पूरा मिट्टी वाला है, और ड्यूक ना ऐसी जगह पे ना अक्सर स्लिप कर जाती है। ओए ओए भाई उतर गई। सो गाइस मैं जो है फाइनली कप्पी भाई के यहाँ पहुँच चुका हूँ अपने छाते जैसे बाल को लेके। अब भाई अंदर जाऊँगा, सबसे पहले तो जो है बालों को ना सेट कर लूँगा थोड़ा, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था ना, तुम लोग समझ सकते हो थोड़े से बाल वगैरह जो है भाई ख़राब हो जाते हैं। बाकी ना तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ड्यूक कहाँ गई, ड्यूक जो है भाई कप्पी भाई के बड़े भैया आए थे, उनका मन कर गया कि जो है एक राउंड लगा के आते, तो मैंने कहा जाओ भैया बिल्कुल जो है राउंड लगा के आओ, अपनी ही गाड़ी है, तो भैया ना राउंड लगाने गए, जब तक अपन जो है अंदर चलते हैं। यार चेंज वगैरह तो कर ही लिया, और उसके साथ ही साथ ना चेंज तो करी जो बाल वाल थे, मैंने कहा क्यों एडजस्ट करना, दोस्त के घर आए। बाकी चेक दिस आउट भाई, आंटी ने अपने लिए इतना अमेजिंग खाना बनाया, दाल बनाई है भाई इतनी टेस्टी बनाई है, झूठी तारीफ नहीं कर रहा भाई, मतलब वो होता है ना आप अपने घर से निकलते हो एक जैसा खाना खाते रहते हो भाई, मम्मी देख रही होंगी अलग ब्लॉग, तो मम्मी ऐसी दाल बनाना सीख जाओ, बिल्कुल ऐसी है ना, और नहीं सीखोगे तो आंटी आप सिखा देना मम्मा को, पक्का। बाकी गई ना हम ना कल ना आंटी के साथ हम लोग नर्सरी जाने वाले, लेके जा रहे हो ना कल, पक्का कल ना गई पप्पी की मम्मी से मिलवाऊंगा, ब्लॉग में आओगे आप सब। आंटी अपन को नर्सरी लेके जाने वाली सीहोर में, और हुआ तो कुछ और भी घूमेंगे अपन लोग, तो फिलहाल तो गाइस हम डिनर कर रहे हैं, ठीक है मिलता हूँ बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली।
करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की।